7 विज्ञान, इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स चल रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट है, जैसे कि पहला इस वीडियोस का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देता हूँ, ठीक है, कि दूर संचार क्षेत्र में जो जनसंचार क्षेत्र में विज्ञान द्वारा किस प्रकार क्रांति आई। उत्तर है जन, जैसे कि कंप्यूटर, ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, और इंटरनेट का विकास हुआ। इंटरनेट का विकास हुआ, ठीक है, कंप्यूटर, ईमेल और इंटरनेट का विकास हुआ, जिससे जनसंचार में क्रांति आई। नेक्स्ट है, कंप्यूटर किसे कहते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर क्या है या किसे कहते हैं। कंप्यूटर एक एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इससे अनेक उपयोगी इससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य आसानी से किए जाते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इससे अनेक उपयोगी एवं जटिल कार्य आसानी से किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटरनेट किसे कहते हैं, बहुत आता है क्वेश्चन ये एग्जाम में, किसे कहते हैं या इंटरनेट क्या है। उत्तर लिखेंगे लिखेंगे जब बहुत सारे कंप्यूटरों को, बहुत सारे का मतलब हजारों कंप्यूटर को, क्या कह सकते हैं, हजारों कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है, टेलीफोन लाइन से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार जो नेटवर्क तैयार होता है, नेटवर्क बनता है, उसे इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। तो इस नेटवर्क को क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट की सहायता से विश्व के बहुत सारे यानी कि बहुतों कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, और इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी सूचनाओं का आदान प्रदान एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जा सकता है। इसमें लिख सकते हैं हम, इसकी सहायता से विश्व के एक असंख्य कंप्यूटर असंख्य कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक है, इसकी सहायता से विश्व के असंख्य कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता